तो दोस्तों, एज रिक्वेस्टेड बाई मैनी पीपल, तो हम लोगों ने कल गुरखा मंगाई चलाने के लिए। 5-door गुरखा आई क्योंकि वो लोग उसी को ज़्यादा पुश कर रहे हैं, क्योंकि 3-door लोगों ने देखी हुई है। और मैं पहले थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ गाड़ी के बारे में कि भाई क्या है, कैसे है। तो जो ये मॉडल है, जिन लोगों को पता नहीं है, दिस वॉज एक्चुअली लॉन्च्ड दिस ईयर ओनली, अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले। और इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं जिसकी वजह से ये पुरानी वाली गुरखा से बेहतर है। पर कितनी बेहतर है, आप लोग को लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्या ये उतनी सुधर गई है गाड़ी कि अब इसके अंदर 20 लाख रुपए आप खर्च करने के लिए तैयार हो सकते हैं। मैंने इस पूरे रिव्यू को एक्चुअली कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है जिससे कि ये फोकस्ड रहे। तो हर सेक्शन की जिसके लिए इम्पोर्टेंस है वो उसके बेसिस पे उस व्हीकल को एनालाइज कर सके। तो ये चीज़ है। अब मैं ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस के बारे में, पुराने एक्सपीरियंस के बारे में बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस डाल चुका हूँ पुराने वाले मॉडल के बारे में, जब मेरे पास वो गाड़ी थी 2022 में। तो अब हम बात करते हैं नई वाली गुरखा के बारे में। तो एक कांड भी हुआ है ड्यूरिंग द ड्राइव ऑफ द व्हीकल। तो इस व्हीकल में जो इंजन है वो अभी भी वही 2.6 लीटर, जो कि काफ़ी रोबस्ट इंजन है। पर ऐसी बातें हम नहीं करेंगे इस वाले रिव्यू में, हम असली बात करेंगे। जो इंजन है इसके अंदर, वो इंजन अब की बार पावरफुल फील हो रहा है, और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा पावर इस गाड़ी में होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि डायनेमिकली ये उतनी स्ट्रॉन्ग गाड़ी नहीं है। और अच्छी खासी स्पीड्स वो इंजन इस वाले ओवरऑल चैसी को दे रहा था, और मुझे बिल्कुल भी पावर की कमी नहीं लगी इसके अंदर। गाड़ी बढ़िया, बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से भाग रही थी हर तरह के रास्तों पे। और इसकी जो ट्यूनिंग है इंजन की, इस तरह से है कि आप सिर्फ जब क्लच ड्रॉप करते हो तो ग्रेडेबिलिटी, मतलब गाड़ी खुद कोशिश करती है विदाउट एनी थ्रॉटल इनपुट की वो उस ऑब्स्टेकल पे चढ़ जाए। अगर वो नहीं चढ़ पा रही है, देन यू नीड टू अप्लाई थ्रॉटल। स्लो मूविंग एनवायरमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो इंजन एडिक्वेटली पावरफुल है, इससे ज़्यादा अगर पावरफुल इंजन आपको इस तरह की गाड़ियों में चाहिए तो या फिर आपके दिमाग में कुछ कमी है। ये अब ठीक है, ओवरऑल मामला बढ़िया है। और जैसा ओवरऑल इनपुट मिल रहा है, क्योंकि ये इंजन इतनी हैवी बॉडी जो इसकी है उसको एफर्टलेसली मूव कर पा रहा है, तो माइलेज पुराने वाले मॉडल के कंपैरिजन में इसकी ज़्यादा है, क्योंकि इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ रहा है इसको। तो दूसरा पॉइंट जो है वो है कम्फर्ट। सो कम्फर्ट यार, मुझे इसमें पहले भी अच्छा लगा था और अब और ज़्यादा ईजी हो गया था, क्योंकि पहले जो प्रॉब्लम मैं फेस करता था इस गाड़ी के साथ में, वो ये करता था कि ये डिस्टेंस नहीं ट्रैवल कर पाती थी, नॉन स्टॉप डिस्टेंस। जैसे आपने सोच लिया भैया घर ही पहुंचना है, चाहे 1000 किलोमीटर हो चाहे 1100 किलोमीटर हो, क्योंकि हैंडलिंग उतनी स्पोर्टी नहीं है, तो टर्न्स पे आपको थोड़ा स्लो होना पड़ता है। उसके अलावा स्पीड भी उतने आसानी से एफर्टलेसली नहीं बिल्डअप करती थी। तो अब ये ट्रैवल के हिसाब से एडिक्वेट स्पीड्स गैदर कर रही थी गाड़ी, और सीटें इसकी कंफर्टेबल हैं। अब फ्रंट वाली सीट्स पे भी आर्मरेस्ट आ गए हैं इंडिपेंडेंट, तो जो सेंटर सीट थी ना वो थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं थी, कम कंफर्टेबल थी। और उसके अंदर मुझे जो लगता है इन लोगों को क्या चेंज करना चाहिए, इन लोग को कैप्टन सीट्स या फिर ये वाली सीट जो है इसको थोड़ा सा पीछे करके और इस वाली सीट के अंदर रिक्लाइन वगैरह देना चाहिए। तो ऐसे करके आप मिडिल रो को, जिसमें दरवाजे लगे हुए अंदर जाने के लिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, उसको थोड़ा सा इन्होंने हल्का कर दिया है, जबकि इसको बहुत अच्छे तरीके से बुनाया जा सकता था। इसको एज अ 4-सीटर भी लॉन्च कर सकते थे, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल व्हीकल ही तो है, तो पीछे बहुत बड़ा बूट स्पेस हो जाता, उसके अलावा 4 कैप्टन सीट्स हो जाती, या फिर बीच वाली एक बेंच सीट का ऑप्शन दे सकते थे, जो कि ढंग से थोड़ा पीछे होके हो जाती है। पीछे वाली सीट जो थर्ड रो है वो कंफर्टेबल है, और मिडल वाली रो जो है वो बेकार है। तो ये मुझे, मतलब यहाँ पे एक कंपनी थोड़ा सा ध्यान नहीं रखती है, कमर्शियल एंगल की तरफ चली जाती है। उसके अलावा जो पीछे वाली सीट्स हैं वो ऑप्शनल दे दो, और जिसको लगानी है वो लगा सकता है। मतलब इस तरह से इसको लॉन्च करना चाहिए था। सीटिंग तीसरा भी एक हल्का ही पॉइंट है, विच इज़ AC परफॉर्मेंस। इंजन क्योंकि अच्छा खासा साइज़ का है 2.6, और
इसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है एसी चल रहा है नहीं चल रहा है, एसी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी तो बड़ा केबिन है बट कूल ठीक ठाक हो रहा था। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं जो कि है सस्पेंशन। तो भाई देखो सस्पेंशन इसकी एक दोधारी तलवार है और इसमें मतलब मैं थोड़ा सा ज़्यादा इनपुट देना चाहूँगा, पहले वाले पॉइंट्स इतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे। तो इसका जो सस्पेंशन है ना दोधारी तलवार है इस गाड़ी का, मतलब किसी के लिए वो बहुत अच्छा है किसी के लिए वो बहुत बुरा है। तो अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जो कि ऑफ कैम्बर ऑफ रोडिंग करता है, मतलब जैसा आपने देखा होगा ऊट पटांग जगहों पर चढ़ना, पत्थरों में से निकलना, बड़े बड़े पत्थरों की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं छोटे मोटे ऐसे पड़े हुए ऑल्टो भी निकल जाते हैं उन पर से, नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। तो ऐसी जगहों पे जो ऊट पटांग ऑफ रोडिंग होती है, जो जनरली जिमनी बहुत बढ़िया करती है, थार भी ठीक ठाक करती है, उसके अलावा यू नो प्रॉपर वाली जो ऑफ रोडर्स हैं जिनका यू नो डायनेमिक्स बेटर हैं, वो जो जिस तरह की ऑफ रोडिंग करती हैं उसके लिए इस गाड़ी को कभी भी मत लेना, नहीं तो आप फिर बाद में पछताओगे। इट्स नॉट मेड फॉर दैट। कंपनी इसको गलत तरीके से प्रमोट कर रही है गाड़ी को, इसी वजह से इसको बहुत ज़्यादा झटका लग रहा है गाड़ी को, क्योंकि जो भी बंदा ये हार्डकोर है ऐसी है वैसी है करके बेचते हैं, बट जब बंदा ऑफ रोडिंग करता है और गाड़ियों के साथ में तो वहाँ पे फिर ये पिछड़ जाती है, जिसकी वजह से फिर यू नो बिल्कुल वो बंदा चिढ़ जाता है इस गाड़ी से। तो इनको मैंने पहले भी जब मेरे पास ये गाड़ी थी मैंने सजेस्ट किया था कि इसको एज अ हार्डकोर ट्रैवल व्हीकल प्रमोट करो, जिससे कि यू नो ये वहाँ पे बहुत सॉलिड है गाड़ी, क्योंकि यू नो रोबस्ट गाड़ी है, नीचे पूरा लोहा है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, कोई ऐसे पार्ट्स नहीं है जो कि डैमेज हो सकते हैं नीचे कुछ पत्थर पत्थर लगने से। उसके अलावा उतना तो ट्रैवल सस्पेंशन में होता ही है यार, हर गाड़ी में, इसमें भी है कि यू नो ऑब्स्टेकल्स जो रास्ते में आएंगे उनको निकाल देगी, डिफलॉक्स भी हैं सब। तो ये ट्रैवल हार्ड कोर ट्रैवल जैसे ओवरलैंडिंग एंड ऑल के लिए बहुत परफेक्ट सॉल्यूशन है, बट ये ऑफ रोडिंग जो प्रॉपर ऑफ रोडिंग होती है ना, आप अगर कहीं पे ले जाने को ऑफ रोडिंग बोलते हो तो भैया नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आप स्पिति जाने को अगर ऑफ रोडिंग बोलते हो तो दैट्स नॉट ऑफ रोडिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट अनशंट ऑफ रोडिंग। जैसे यू नो जैसे आप ऑफ रोडिंग वीडियोज़ देखोगे, कोई कहीं चढ़ रहा है कोई कहीं चढ़ रहा है, तो वैसी ऑफ रोडिंग ये गाड़ी नहीं करती अच्छे से। और उसके अलावा जो रोड ख़राब रास्तों पे गाड़ी चलती है वो इतनी अमेजिंग चलती है, क्योंकि कल हम गाड़ी को बहुत ज़्यादा भगा रहे थे और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था जिस पे हम चला रहे थे, और बिल्कुल यू नो बिल्कुल भी इसको ऐसा कुछ मेजर फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हवा भी टायर्स में 37-38 कर रखी थी डीलरशिप ने, उसके बाद भी थर्ड्स ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग थर्ड्स अंदर नहीं आ रहे थे। तो ये उस पर्पज़ से बहुत ही अच्छा सस्पेंशन है, बट इट्स नॉट मेड फॉर दैट सॉर्ट ऑफ रोडिंग, जो अनशंट वाली ऑफ रोडिंग होती है उसके लिए नहीं बनी है ये। और कंपनी मुझे लगता है उसमें उलझ के ही इसके नंबर्स ख़राब कर रही है गाड़ी के। इसी सेंस में एक गलती और करी कल डीलर ने, मेरी आदत है कि मैं प्रॉपरली सिचुएशन को देख के उस हिसाब से उस गियर में मतलब 4 हाई में जाना है, 2 हाई में जाना है, 4 लो में जाना है, मैं उसके बेसिस पे किसी ऑब्स्टेकल में एंटर करता हूँ। तो अब एक छोटा सा एक यू नो ऑब्स्टेकल था एक तरह से, जैसे हम किसी खाली एरिया में चला रहे थे तो वहाँ पे कुछ ऐसे फुटपाथ टाइप बने हुए थे, तो वो छोटा था जो उस पर ऑब्वियसली गाड़ी चढ़ जानी थी। तो ही वॉज़ लाइक कि सर ये तो 2 हाई में चढ़ जाएगी, 4 में क्यों लगा रहे हैं। मैं बोला ठीक है भाई चढ़ा दी, बट वो बहुत छोटा ऑब्स्टेकल था। फिर उसके बाद में हमने ढूंढा, फिर हमें थोड़ा सा ऊंचा मिला उससे, उस पर ट्राई किया, तो फिर वही सेम फ्लॉ निकल के आया सस्पेंशन में कि ये एक्चुअली ऑब्स्टेकल से फाइट करने लगती है गाड़ी। ये ऐसे नहीं है कि यू नो ऑब्स्टेकल को टच करेगी और ऐसे सस्पेंशन कंप्रेस होगा टायर उस पर चढ़ जाएगा। तो वहाँ भी मुझे बोला गया ये 2 हाई में चढ़ जाएगी, तो मुझे शक था कि कुछ नुकसान हो जाएगा। मेरी गाड़ी इस तरह से जब मैंने शुरू शुरू में ली थी चेक करने के लिए जब चलाई थी, तो हर बार 4 लो में बहुत कंट्रोल्ड सिनेरियो में आप करते हो 4 लो जब लगाते हो, उसके बाद भी गाड़ी की अलाइनमेंट हर बार आउट हुई थी 4 लो में भी। तो 2 हाई में तो रिस्की था, बट भाई वो बोल रहे थे तो लेट मी ट्राई, मैंने ट्राई किया और उसका जो स्टेयरिंग रॉड था उसका पूरा यू नो स्टेयरिंग रॉड टूट गई, तो वो गाड़ी वहीं पे अपंग हो गई उस टाइम पे। तो मैंने यही सजेस्ट किया कि इसकी ये वीकनेस है और आप कोशिश करो कि आप किसी को ये सजेस्ट मत करो कि आप 2 हाई में ही चढ़ा दो दिस एंड दैट। यू नो कोई बहुत अच्छा सिनेरियो नहीं था, उन लोग को वहीं छोड़ के हमें आना पड़ा, फिर वो थोड़े रिलक्टेंट थे कि भाई हम लोग उनकी गाड़ी को बांध बांध के लेके जाएं, तो थोड़ा सा वो डिसरिस्पेक्ट फील कर रहे थे उसमें। तो हम बोले ठीक है जी एज यू से, तो हम लोग आ गए वापस। बट
उनको वहीं वेट करना पड़ा, फिर उनको कोई पिक करने आया होगा दूसरी गाड़ी से बांध के, किस तरह लेके गए होंगे, क्योंकि एक टायर था जो उसको बिल्कुल ऐसे फ्री हो गया था, दूसरे टायर में एक में स्टेयरिंग था, तो यू नो आई डोंट नो कैसे वो लेके गए हैं, दे नो। बट ऐसा ये वाला इशू अभी भी है कि जो सस्पेंशन है वो कुछ ऑब्स्टेकल्स, जैसे अगर आप मेरे से पूछना चाहोगे कि भाई हमें क्या ज़रूरत है फुटपाथ पे, तो यार नॉनसेंस है, नहीं चढ़ानी चाहिए। बट आप एक बाउल्डर्स वाले एनवायरनमेंट को कैसे सिमुलेट करोगे? आप उसको, बाउल्डर्स क्या होते हैं, एकदम से आपके टायर के आगे इतना बड़ा पत्थर आ जाता है, आपको उसके ऊपर से निकालनी है, तो अगर एब्जॉर्बेंट सस्पेंशन होगा जो टायर थोड़ा सा बॉडी के अंदर जाना आसान होगा, तो वो उस ऑब्स्टेकल के आराम से चढ़ेगी और ये गाड़ी फाइट करेगी। तो ये एक कमी मुझे लगती है जो कि इसको थोड़ा सा वीक बनाती है, अदरवाइज़ यू नो दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रैवल, हार्ड कोर ट्रैवल व्हीकल। तो हम सस्पेंशन के रिगार्डिंग ऑफ रोड की बात कर रहे थे, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि ऑफ रोडेबिलिटी। अब ऑफ रोडेबिलिटी की अगर बात करें तो जैसा मैं कह रहा था कि स्पेसिफिकली ऑफ रोड के लिए इसको मत लेना, टेक इट फॉर ट्रैवल। ट्रैवल के अंदर आपको जो भी सिनेरियो रहेगा उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज़ कर पाओगे, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अदरवाइज़ यू विल बी डिसअपॉइंटेड लेटर। तो जैसे बर्फ़ में आपको जाना है, बहुत बढ़िया रहेगी, डिफरेंशियल लॉक्स हैं बर्फ़ में, डिफरेंशियल लॉक्स बहुत मदद करते हैं, बिना डिफरेंशियल लॉक की गाड़ी बर्फ़ में ज़्यादा आसानी से फंसती है, वेट अच्छा खासा है तो बर्फ़ को अच्छे खासे धकेल लेते हैं, टॉर्क अच्छा है इसके अंदर, तो ये घूमने फिरने और यू नो टफ़ जगहों पर घूमने फिरने के लिए बहुत बढ़िया गाड़ी है। तो उस तरह के ऑफ रोड में आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो, बट इसको लेके कहीं पे वो वीकेंड पे जो ऑफ रोडिंग करते हैं वहाँ आई वुड नॉट सजेस्ट, कुछ ना कुछ तोड़ के आएगी या फिर यू नो आपको परेशान करेगी वहाँ पे। एक बार स्पेसिफिकली स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बात करते हैं, तो जो पहली स्ट्रेंथ है वो है कि ये ख़राब रास्तों को बहुत अच्छे तरीके से टैकल करती है ठीक ठाक स्पीड में, मतलब ज़्यादा ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यू नो ठीक ठाक स्पीड से उस एरिया को कवर करते हो जब रास्ते ख़राब हैं। और ये मैंने अपनी गाड़ी के साथ भी देखा था, इसके साथ भी देखा कि और गाड़ियाँ जब ख़राब रास्ते आते हैं तो इससे जनरली पीछे रह जाती हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसके अंदर। दूसरी जो स्ट्रेंथ इसकी लगी मुझे कि यू नो सिंप्लीफाइड व्हीकल है और गियर मैनुअल है, उसके अलावा डिफरेंशियल लॉक्स मैनुअल हैं, तो ख़राब होने की चीज़ें ज़्यादा नहीं हैं, बट मुद्दा बस यही है कि बेंचमार्किंग उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से व्हीकल की नहीं हो रखी है, तो इस वजह से फिर भी निगल्स आ जाते हैं, जबकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करे, बट आई डोंट नो फिर भी छोटे छोटे फॉल्ट किस लिए आ रहे हैं। तो ये सिंप्लीफाइड जो है, जैसे क्लच है वो लाइट है, स्टेयरिंग है जो वो लाइट है, उसके अलावा सीट्स हैं जो वो कंफर्टेबल हैं, तो ओवरऑल मतलब घुमक्कड़ इंसानों के लिए और क्या चाहिए होता है, यही चाहिए होता है, तो ये इसकी स्ट्रेंथ्स हैं। उसके अलावा अब वीकनेसेस की बात करते हैं, तो यू नो इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा नहीं है, फिर भी छोटे मोटे फॉल्ट आते रहते हैं, वो रिवर्स कैमरा वाला फॉल्ट मैंने अभी भी देखा है गाड़ियों में, कि गाड़ी सामने चल रही है, रिवर्स कैमरा ऑन हो रखा है, तो कोई स्विच है इसके गियर बॉक्स में जो फॉल्टी हो जाता है बहुत आसानी से। उसके अलावा जो चाइम्स हैं, जैसे टायर प्रेशर कम ज़्यादा है, तो वो इतना इरीटेट करता है वो साउंड कि पूछो मत, बहुत लाउड साउंड्स हैं। उसके अलावा इसके डिफरेंशियल लॉक्स जो हैं, उसको कनेक्ट डिसकनेक्ट करोगे कई बार पता नहीं लगता कि हुआ है कि नहीं हुआ है, बट वो बीप करने लगता है, फिर वो कई बार आप डाउन भी कर दोगे तब भी बीप करता रहेगा, तो ऐसे छोटे छोटे इरिटेंट्स हैं इसके अंदर जो कि थोड़ा सा इसको वीक बनाते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस के फॉर्म में। सस्पेंशन इसका अभी भी ऑफ रोड टर्म्स में वीक है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया है। सीटिंग जो है मिडिल रो वाली वो पुअर है, वो एक अच्छी तरह से कर सकते थे, ये भी एक वीकनेस है इसकी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होगी। उसके अलावा अब नॉन इश्यूज़ पे बात करते हैं कि कोई ऐसे प्रोमिनेंट इश्यूज़ हैं क्या, ये तो छोटी मोटी बातें हैं, इन पे इतना सीरियसली चीज़ों को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो जो नॉन इश्यूज़ हैं इस टाइम पे दो मैं सुनने में आ रहे हैं, जो ओवरऑल सुनने में आ रहे हैं, एक तो कि इसके व्हील बेयरिंग्स गाड़ी के ख़राब हो रहे हैं अभी भी, पुरानी वाली के भी हो रहे थे, इसके भी हो रहे हैं, और उसके साथ में फिर इसमें गियर बॉक्स में भी छोटा सा कुछ इशू आ रहा है जिसकी वजह से कुछ साउंड क्रिएट हो जाता है और लोग परेशान हैं, तो इसलिए कंपनी ने पीछे से सप्लाई भी थोड़ी सी स्लो कर रखी है कि वो लोग काम कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली है यार, कंपनी क्यों चाहेगी कि फॉल्टी गाड़ियाँ कस्टमर्स के पास जाएँ, दे विल रिपेयर इट। बट आप समझो कि ये निगल फ्री गाड़ी नहीं है, इवन बींग वेरी सिंपल व्हीकल। जिस दिन ये कंपनी इस गाड़ी को निगल फ्री कर देगी, मतलब इतनी सिंप्लीफाइड गाड़ी के अंदर भी अगर फॉल्ट आ रहे हैं, तो दैट मीन्स R&D उस लेवल की नहीं है। तो आप अगर इस गाड़ी को इसी तरह रखते हुए और इसको ट्रबल फ्री कर दोगे, छोटे छोटे फॉल्ट नहीं आएंगे, यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब नहीं होगा, तो
आई गेस दिस कैन डू गुड नंबर्स, इसकी एक अलग से एक छवि है। और इवन मैं मतलब थोड़ा सा मेरे दिल में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है इसको लेके कि यार ऐसी कोई और गाड़ी है नहीं मार्केट में जो इतनी सिंपल हो। अगर इन केस ख़राब हो जाए तो आप उसको आसानी से बांध के ला सकते हैं किसी गाड़ी के पीछे। मैनुअल गाड़ियों की एक ख़ास बात होती है, वो कोई भी हो सकती है। उसके अलावा डिफरेंशियल लॉक्स जो हैं वो वायर ऑपरेटेड हैं, तो बड़ा ओवरऑल सिंपल व्हीकल है ये। और जो BS6 एंड ऑल की वजह से जो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है वो तो बढ़ी है, बट ये गाड़ी अभी भी काफ़ी सिंपल व्हीकल है। और मैं ये चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें ये ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर सकें। हम ख़राब रास्तों पे बहुत तेज़ चला रहे थे गाड़ी, और जो क्लियरेंसेज हैं इसकी बहुत सही हैं, कहीं पे भी गाड़ी हल्की सी भी टच नहीं हुई। और यही चाहिए होता है जब आप गाड़ी को कहीं पे अननोन टेरिटरी में लेके जाते हो। तो ये छोटी छोटी सी कमियां हैं जो अगर सुधार दी जाएँ तो मेरे ख्याल से ये वहाँ पे पहुँच सकती है जहाँ पे लोग सपना देखते हैं कि भाई एक पुरानी वाली डिफेंडर समथिंग हम खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा काम करने की इनको ज़रूरत है। उसके अलावा यूज़र एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो मैं चेक कर रहा था, शोरूम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो टच पॉइंट्स का इशू रहेगा। तो अभी के लिए आप ये मान के चलो कि अर्बन जो बायर है ना, अर्बन बायर ही खरीद पाएगा, क्योंकि वैसे एरियाज़ में जो Tier 3 cities वगैरह हैं वहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी मुश्किल है गाड़ी की। तो वो एक आप लगा लो पॉइंट, जितना सिंप्लीफाइड है गाड़ी उसके साथ में ये वाला एक इशू है कि आपको सर्विस वगैरह के लिए काफ़ी दूर दूर जाना पड़ेगा अगर फॉल्ट डेवलप करती है गाड़ी, तो ये वाला पॉइंट है। उसके अलावा जो स्टाफ था वो स्टाफ बढ़िया था जो आया हुआ था, सो दे वर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर व्हीकल। एंड उसके अलावा ओवरऑल जो चीज़ें जिस तरह से वो कर रहे थे, और फिर मैंने भी अवॉइड किया कि मैं वो वीडियोस वगैरह जब गाड़ी ख़राब हो गई थी शूट करूँ, क्योंकि अनईजी फील करता है बंदा सामने वाला। तो आई एम रियली सॉरी कि यार वो लोग परेशान हुए, बट ये एक वीकनेस है इस गाड़ी की जो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि अगर वहाँ पे जिम नहीं होती आसानी से वो टू व्हील ड्राइव में चढ़ जाती, वहाँ पे थार होती आराम से टू व्हील ड्राइव में चढ़ जाती, हाईलक्स होती आराम से चढ़ जाती, तो ये गाड़ी क्यों नहीं चढ़ पाती है। वो सिर्फ वही है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसका सस्पेंशन उस तरह से नहीं बनाया गया है। और मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे ये पता लगा है कि ये जो गाड़ी है ये एक्चुअली ड्रीम प्रोजेक्ट है किसी का। सो व्हाट आई फील इज़ अगर इस पर उतना वर्कआउट की कर दिया जाए ना कि जो इसके डायनेमिक्स हैं वो करेक्ट कर दिए जाएँ, जहाँ पे ये आपकी हेल्प करे रादर देन ऑब्स्टेकल से फाइट करने के, तो ये वहाँ पहुँच सकती है जहाँ पे फिर इसको कोई पकड़ नहीं पाएगा। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे मार खा जाती है और पिछड़ जाती है। अदरवाइज़ अगर ऐसा एक सिंपल व्हीकल और वो लेवल पे कैपेबल हो जाए जो मैं बार बार बोलता हूँ, सुधर गई है ऑलरेडी, 3-4 पॉइंट्स पे कंपनी ने काम किया है जो कि अब ये बेटर हो गई है जहाँ पे। और एक दो चीज़ें और हैं जो मैं पहले रिक्वेस्ट कर रहा था, अगर ये चीज़ें होती हैं ना तो नेक्स्ट वर्जन जो आएगा आई एम श्योर देर आर चांसेस कि ये लोग उसमें करें। अब की बार ये व्हीकल थोड़ा और ज़्यादा बिकेगा और ज़्यादा फंड्स क्रिएट करेगा कंपनी की पॉकेट में, जिससे कि वो R&D पे और खर्च कर सकें। और फिर वो जो अगला वाला मॉडल आए ना उसमें बस ये सस्पेंशन पे काम करें, जो सस्पेंशन या बेंच मार्किंग कर लो, दूसरी गाड़ियों को देख लो चला के, दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करो, देखो कि वो एक ऑब्स्टेकल को कितनी आसानी से कर रही है, इसको क्यों इशू आता है। बिल्कुल डिफलॉक्स के भरोसे मत बैठ जाओ। तो एक वर्जन और यार आने वाले 2-3 साल में बनाओ जिसमें इसका सस्पेंशन ऑफ रोड स्टाइल का सस्पेंशन हो, और इसको थोड़ा यार नीचे करो, चौड़ी करो गाड़ी को, कुछ बनाओ यार। एक बार प्राउड तो फील करोगे कम से कम कि भाई हमने क्या बनाया था। और फिर उसके बाद आपने सिर्फ लाइटें बल्ब बल्ब चेंज करते रहना लाइफ टाइम, ये गाड़ी जब तक इंजन वाली गाड़ियाँ चलती हैं चलती रहेंगी, और उसके बाद में चाहे बैटरी वाली बना देना इसको, बट दिस विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग व्हीकल आफ्टर दैट। अभी भी वही कुछ निगल्स हैं, उसके अलावा सुधरी है गाड़ी, चल बहुत सही रही है, पावर अच्छी खासी है। और हो सकता है मैंने कई चीज़ें कई बार ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर ली हूँ इस वाले वीडियो में, पॉइंट्स कई बार रिपीट हो गए हूँ, बट आई एम रियली ट्राइंग कि मतलब मैं एक ऐसा इनपुट आप लोग को दे पाऊँ जो कि आपको सच में मतलब एक रियल बायर को बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो जब यार गाड़ी खाली हवाबाजी में ख़रीद के कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे कि कोई खाली बिना बात इम्प्रेस है। मुझे बड़ा दिक्कत होती है क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है कि भाई मैंने किसी के व्यूज़ के बेसिस पे गाड़ी खरीदी और फिर मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ था। सो आई वॉन्ट कि जब मैं
कोई व्यूज़ दूँ तो वो स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हों, वो रियल व्यूज़ हों, और आप जब उन चीज़ों को सेम को एक्सपीरियंस करो तो आप फील करो कि हाँ यार बिल्कुल बिल्कुल सही बोला था, यही दिक्कत है। सो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। तो आई गेस ये वीडियो ठीक ठाक साइज़ की हो गई है, अब इसको इससे ज़्यादा लंबा करना ठीक नहीं है, तो इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। आई एम रियली होपिंग कि क्या करंट सिनेरियो है इस गाड़ी का वो आपको पता लगा होगा, और इसके बेसिस पे आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो कि आपको इसके अंदर घुसना चाहिए कि नहीं घुसना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। तो इस वीडियो में इतना ही, और मैं तो तभी खरीदूंगा इसको जब मेरी वो लास्ट वाली दो तीन चीज़ें और ये करेंगे जो मैं अभी कह रहा था कि भैया सस्पेंशन को ऑफ रोड सिनेरियो के लिए बनाओ और उसके साथ में गाड़ी को नीची करो और चौड़ी करो, सो देन इट विल बिकम अ वेरी गुड व्हीकल। तो अभी के लिए आई एम नॉट बाइंग इट, और वेट करते हैं नेक्स्ट वर्जन का। कीप वॉचिंग डीसी एक्सपीडिशंस। बाय बाय।